नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। कांग्रेस के मुख्य सचेतक पद से डॉक्टर महेश जोशी के इस्तीफे के बाद राजनीति का सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर महेश जोशी के इस्तीफे को लेकर गहलोत सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इशारों इशारों में ही कई सवाल उठाए हैं। बता दें कि शनिवार को शिवरात्रि पूजन के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए, जिसमें उन्होंने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। साथ ही महेश जोशी के इस्तीफे को लेकर कहा कि वह इस मामले में भाग्यवान है। एक साल लेट इस्तीफा क्यों हुआ, ये तो सीएम और प्रदेशाध्यक्ष ही बता सकते हैं। उन्होंने आगे इस इस्तीफे को लेकर कहा कि हमारी पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बावजूद कोई व्यक्ति दो पदों पर रह रहा है तो वह भाग्यवान है। ऐसा भाग्य सभी को मिले। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि हरीश चौधरी और रघु शर्मा का इस्तीफा तुरंत हो गया था। मुझे लगता है कि महेश जोशी भाग्यवान है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि महेश जोशी मुख्यमंत्री के करीबी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर कर लिया है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर महीने में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जयपुर पहुंचे थे। उन्हें विधायकों के साथ बैठक करनी थी, लेकिन इसी बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मंगले पर पैरेलल बैठक में हुई। इस बैठक में कई विधायक शामिल हुए। कई विधायक जब पर्यवेक्षकों से मिलने नहीं पहुंचे तो राजस्थान में सियासी बवाल मच गया था। इसके बाद धारीवाल और महेश जोशी के साथ एक अन्य विधायक को कांग्रेस अनुशासन समिति ने नोटिस जारी किया था। ये खबर तो पुरानी हो गई, वो तो एक साल पहले ही इस्तीफे के बराबर ही काम हो गया था। बाकी दे देते एक साल पहले भी तो क्या फर्क पड़ रहा था, अब यदि दे दिया तो इसमें क्या इसमें स्पेशल बात है। तो एक साल पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब ये रघु शर्मा जी और हरीश चौधरी जी बने प्रभारी वहां को तो लाएंगे, एक महीना ही कौन टिकवा दिया, तो एक महीना में इस्तीफा हो गयो उन्हें, तो एक साल तक तो भाग्यवान नेता है तो एक साल तक आराम से, किसी को पता ही नहीं था कि दोनों पद उन्हीं के पास, दो पद उन्होंने तो इस्तीफा दे के गए थे तो प्रभारी बनने। तो क्या ये माना जाए एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत था उसमें कहने के पूरी तरीके से एक साल तक तो नहीं, मैं तो क्या कहूँ इसमें, लेकिन महेश जी भी मेरे खास हैं। लेकिन महेश जी भाई कहते हैं ना कि समरथ को नहीं दोस्त गुसाई, महेश जी हमारे खास हैं, बहुत सीनियर हैं मेरे, मैं तो बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मजाक की भाषा ये है कि जहां मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी हो तो चाहे जब इस्तीफा दे तो वो तो एक साल बाद दिया उन्होंने इस्तीफा, क्या है तो एक साल पहले दे देते तो भी वही बात थी, अभी दिया है तो भी वही बात है। तो महेश जी भी हमारे भाई हैं, वो तो अब एक साल तक वो मुख्य सचेतक, अब तो विधानसभा का सत्र कितना आएगा, दो तीन दिन, अब वो नहीं भी देते तो भी क्या हो जाता, दे दिया तो क्या हो जाएगा, कोई नया मुख्य सचेतक बन जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।